मंगलवार को बेगूसराय पहुंचे स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग मंत्री सह बेगूसराय जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री मंगल पांडे के द्वारा कारगिल विजय सभा भवन में जिला स्तरीय विकास संबंधी योजनाओं तथा आगामी बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक मनीष, अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त सत्येंद्र सिंह सहित बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, शाहपुर कमाल विधायक ललन यादव, विधान पार्षद सर्वेश कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने सभी विभिन्न विभागों की समीक्षा के उपरांत सभी पदाधिकारियों को अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं को समय तथा त्रुटि रहित निष्पादन का निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान राज्य सरकार के उद्देश्यों के साथ साथ आम लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखें। इसके अतिरिक्त हर संभव प्रयास करें कि वास्तविक लाभुकों आवेदकों को बिना किसी परेशानी के उनका अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को पूर्ण उत्तरदायित्व तथा संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर क्षेत्रों में क्रियान्वित योजनाओं, ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं, पंचायती राज विभाग, आपूर्ति संबंधी मामले, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडलों, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडलों, भवन प्रमंडल, विद्युत विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ICDS सहित अन्य विभागों की गहन समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान बच्चों को पाठ्य पुस्तक के क्रय हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि, मध्याह्न भोजन से संबंधित मामलों एवं शिक्षकों को समय वेतन उपलब्धता को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इससे पूर्व सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन स्थिति तथा मंझोल अनुमंडल 75 बेड वाले अस्पताल निर्माण के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। नगर क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा के दौरान आंतरिक स्रोत से क्रियान्वित होने वाली योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित लंबित मामलों को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश देने के साथ साथ नगर आयुक्त को नाला निर्माण के दौरान लेवल का अनुश्रवण करने के साथ ही तथा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को पूर्ण होने के उपरांत ही अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सड़क आदि की खुदाई करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जल निकासी के स्थायी विकल्पों पर भी कार्य करने का निर्देश दिया गया। पंचायती राज विभाग के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में उन्होंने फीडबैक प्राप्त करने के उपरांत जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित योजनाओं के लंबित योजनाओं को भी पूर्ण करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी को मंत्री द्वारा निर्देश दिए गया कि सुखाड़ की स्थिति में दलहन की खेती पर विशेष ध्यान देकर इसकी उत्पादकता बढ़ाए जाने हेतु आवश्यक प्लान तैयार कर कार्यान्वित करें। इस क्रम में मंत्री द्वारा अपूर्ण सामुदायिक भवन सह वर्क शेड से जुड़ी चुनौतियों को अविलंब दूर करवाते हुए पूर्ण करने का निर्देश दिया। ICDS अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों, CDPO, महिला पर्यवेक्षकों, सेविका सहायिकाओं के पदस्थापन स्थिति के साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पोषाहार आदि के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई। प्रभारी मंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग तथा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा के दौरान जिले में आगामी संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई। इस क्रम में उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को जिले से प्रवाहित होने वाली नदियों के जल स्तर का लगातार अनुश्रवण करने के साथ साथ तटबंधों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखने का निर्देश दिया गया। इससे पूर्व प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा जिले में नावों की स्थिति, गोताखोरों, मोटर बोट खोज, बचाव एवं राहत दल, शरण स्थलों आदि के संबंध में जानकारी देने के साथ साथ तटबंधों की सुरक्षा आदि के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। प्रभारी मंत्री बनने के बाद आज पहली बार बेगूसराय में आया हूँ। जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक हमने की है। विभिन्न विभागों के जो कार्य चल रहे हैं विकास के, उन कार्यों की भी समीक्षा की। जो जन कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा हमने की है
और अलग अलग विभाग, चाहे वह कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य हो, जो भी सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, उन विभागों के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अभी जो मौसम है उसमें आगे आने वाले समय में बाढ़ का भी खतरा है और सुखाड़ का भी खतरा है, तो बाढ़ और कटाव के लिए जिला प्रशासन की जो तैयारी है उस तैयारी की भी समीक्षा हमने की। हालांकि कुछ दिनों पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी इसकी समीक्षा हुई थी और आज जिला स्तर पे उसकी समीक्षा हमने की है। पूर्व में जो 2021 में बाढ़ आया था उसके अनुभव के आधार पर यदि ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो उसमें हमको जो भी काम करने हैं उन सारे चीज़ों की तैयारी जिला प्रशासन ने किया है। SDRF यहाँ पे है, पॉलीथीन है, जो नाव के अनुबंध करने हैं वो सारे काम हो रहे हैं, कटाव के रक्षण के लिए जो काम करने हैं उसमें जो अभियंता हैं वो काम में लगे हुए हैं। और सुखाड़ की स्थिति आती है तो सुखाड़ की स्थिति में भी यदि कृषि विभाग को कुछ किसानों से मौसम अनुकूल नए फसल पैदा करने हैं तो उसकी क्या कार्य योजना है, डीजल अनुदान की भी व्यवस्था की हुई है राज्य सरकार की तरफ से, तो इन सारी चीज़ों की योजना पे चर्चा और निर्देश मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है।